गुड मॉर्निंग गाइस, और ये देखिए सामने भाई सुनील भाई ने शुरू कर दिया कुकिंग। तो भाई ने दूध डाल दिया, पता नहीं दूध बनाएंगे या चाय बनाएंगे। नहीं, दूध में पत्ती, सिर्फ दूध पत्ती। और वहां पर गुमक्कड़ फैमिली अभी धीरे धीरे सुस्ताते हुए उठ से कान खोलते हुए, और भाई हम तो उठ चुके हैं भाई से पहले ही। हमने भाई को उठाया और भाई फ्रेश होके भी आ गए और हम अभी नहीं। ये देखिए भाई क्या मस्त व्यू आता है अंदर से, और ये नमूना भी उठानी है। सॉरी कुक्कू जी अभी उठे नहीं है। अपने भाई चाय मिल जाएगी भाई, देख उबल अगर वैसी चाहिए तो मैं अभी दे देता हूँ, ये उबली हुई है। अच्छा अच्छा, मैं इसको धीरे धीरे। नहीं नहीं सर, अच्छी चाहिए हमें क्वालिटी की। देखो जी, देखो पीनी पड़ेगी, ये दूध है। भाई ने दे दी चाय, पकड़ो। थैंक यू भाई, थैंक यू। ऐसे तो घर में भी नहीं मिलती है। थैंक यू। मुझे बिस्तर में जैसी यहाँ मिल रही है। तो भाई ऐसे भाई हो तो मजा आ जाए। ऊपर नीली छतरी वाला देख रहा है। तो कहाँ मिलती है बिस्तर में, सच बता दे। तो हम 8 बजे खाना खा लेते हैं। हाँ। तो 8 बजे खाना के साथ साथ चाय। हाँ, तो वो बात है ना भाई, बोला मैंने बिस्तर में नहीं मिलती है, और चाय हो साथ में, सामने इतना बढ़िया व्यू हो, तो और क्या चाहिए लाइफ में। और दोस्तों एक बात और बता दूं, ये हमने डिस्पोजेबल गिलास और प्लेट्स ले रखे हैं स्पेशल कागज वाले, क्योंकि अब जो है ना ठंड इतनी ज़्यादा होने वाली है, जो हम जिसमें बर्तन में हम बना रहे हैं उनको धोना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको पता काजा में तो पानी नहाने के लिए और मुंह धोने के लिए नहीं मिलता है सर्दियों में, तो अब डिस्पोजल तो यूज़ करने ही पड़ेंगे। और जो हमारे बर्तन वगैरह है वो तो हम पानी गर्म करके चलो धो सकते हैं, जितने कम होंगे मतलब उतना। मजबूरी है, आज तक हमने कम ही यूज़ किए वैसे डिस्पोजल गिलास, लेकिन चलो भाई इस ट्रिप में क्षमा करें हमें। धोने के लिए पानी जम जाता है सुबह, क्या करेंगे अपना, मतलब जो सुबह के कार्य हैं वो नहीं हो पाएंगे। ये तो यहाँ पर हो रही है कटिंग, और ये कुक्कू ने आटा गूंद के रखा है। आलू भी आ चुके हैं, चलो भाई बनाते हैं प्याज और आलू की सब्जी। कटिंग तो अब छुरी एक ही है यहाँ, दूसरी देखते हैं। तो भाई यहाँ हो गई है आलू की कटिंग शुरू। देखिए चेरी काट रही है, चेरी और चेरी के चाचू दोनों मिलके आलू काट रहे हैं। सही है ना? चलो गुड। एक साइज होना चाहिए सबका, एक बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए भाई सूरज देवता भी मेहरबान हो ही गए, मतलब पहली किरण जैसे ही धूप की पड़ी तो यहाँ पर तो मजा ही आ गया। देखो पूरा अब सारे निकल गए, मैंने दो चार ही कट कर। कोई बात नहीं, तो चेरी भी बढ़िया कटिंग करती है, अच्छा सीख रही है, बढ़िया प्याज हमारे साथ रह रहे के ये सीख जाएगी सब कुछ। तो समझ नहीं रही है ना, तो समझाएगी कैसे, तू थोड़ा थोड़ा बोल रही हो। तो कसके की ये आटा लिया था हमने मल्टीग्रेन, लेकिन हमारे बस की बात है नहीं, तो अब भाभी जी आ गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी बना एक बार आप देख लो। हाँ, आप बना ये कुकू देखेगी भाई, हमें नहीं, ये मक्की की रोटी बना सकते हैं, पर ये बंद है। चलो देखते हैं कैसे बनती है ये, क्योंकि भाई बाजरे का एक्सपीरियंस तो राजस्थान वालों को है। छिली की रोटी की तरह है कुछ, है ना? ये गैस वैसे सारा उछाल दे तूने। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलने दे जाएगा। बेटा कहाँ तक भागोगे? अच्छा ऐसे ही बनेगी। अरे वाह यार, थोड़ा सा पानी का ग्लास लेना। अच्छा थोड़ा सा पानी लगा लगा के जब उस पे डाले तो बस थोड़ा सा पानी डालेगा। क्या बात है, तो ट्रेंड निकली। अरे वाह, तो भाई दीपक भाई ने कर दिए काम स्टार्ट, और ये दीपक भाई सबसे परफेक्ट निकले हमारे में रोटी बनाने में। कैसी गोल, ये देखो बिल्कुल है ना एकदम गोल, इतनी तो मतलब कुकू बेटा भी नहीं बना पा रहे। ये देखो कराएंगे इससे भी ट्राई, इससे भी एक बार ट्राई कराएंगे, क्योंकि ये पहले ही हार मान चुकी थी, इसलिए हमने इनको दोबारा बोला भी नहीं। अंदर से फीलिंग आ रही है, आज तो मजा आने वाला है। दीपक भाई कैसा फील कर रहे हो रोटी बना के? भाई मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? नो मीडिया प्लीज। ठीक है, भाभी सबसे पहले जाएगा सुनील भैया को। हाँ सिवाय सो रहा है इसलिए अब गिरने, या तो सबसे छोटा या सबसे बड़ा, जितनी जल्दी हो सके काम खत्म कर लो। बस बस जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी खाएंगे और फिर सिवाय को जगाएंगे। जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना भैया, उनकी मम्मी जी सोचती कि फटाफट बच्चे सो रहे, जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लो। बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ मैं ये आलू और प्याज की, नहीं तो घर में तो बहुत खाते हैं। रहते रहते हम। एक मिनट। तो भाई वाइफ से एक तो नंबर हो जाता है। वाह यार। चेरी आ जा बेटा। क्या कलर आया? क्या तड़का लगाया? बढ़िया एक नंबर।
मैंने लगाया है। देखो यहाँ पंगा छिड़ गया है, मेरे पीछे पड़े रहते हैं सब हाथ धो के। और अभी खाना खा रहे हैं, खाना बन चुका है और सब छांव ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए। धूप इतनी तेज है। मैंने बोला इनको कि बोल दो भाई ले आएंगे। खाना हो गया? अभी कहा हूँ, अभी सब्जी चाहिए मेरे को। और छोटू लो लो आराम से बन रही है, खिला दो फिर। चलो भाई खाते हैं, इसमें देसी घी, सेजवान सॉस, रोटी सब्जी सब। तो गाइस सब हो चुके हैं रेडी और बस अब यहाँ से चलने की तैयारी है। देखिए कुकू भी रेडी हो रही है और अपने टेंट वगैरह भी क्लोज हो रहे हैं, सबके टेंट हो गए क्लोज। भाई अपना ही रह गया अब, चलो अपना फटाफट हो जाता है इसलिए आराम आराम से कर रहे हैं। चलो अब कर देते हैं इसको फटाफट। तो जी सारी गाड़ियाँ रेडी है, सभी स्टार्ट हो चुकी है और पैकिंग पूरी हो गई है और कचरा उठा के हमने रख लिया है अपना, जितना भी था कोई भी प्लास्टिक वगैरह इधर उधर नहीं फेंका है। और अब यहाँ से निकलते हैं आगे चितकुल की तरफ। और ये भाई ढाबा देख लीजिए यहाँ पर ब्लू पत्थर के पास, भाइयों ने नया नया खोला है। अगर स्पीति आते हो तो यहाँ पर रुकिए, एक चाय पीकर जरूर जाइए, बहुत ही अच्छे भाई लोग हैं। और कैंप करना है तो कैंप भी आप यहाँ पर कर सकते हो, इन्होंने हमसे कोई पैसा वगैरह नहीं लिया, तो काफ़ी बढ़िया लोग हैं यार। और बस यहाँ से 6 किलोमीटर आगे टापरी, अगर आपको कुछ सामान वगैरह खरीदना हो तो बाज़ार काफ़ी बड़ा है, वहाँ तक आप जा सकते हो। आज मेरी वीडियो पब्लिक हुई और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कितने व्यूज़ कितने या क्या मतलब हो रहा है वीडियो के साथ, क्योंकि इतने बिजी थे आज। और अब देखो यार क्या शानदार रोड है, कितनी शांति लग रही है, अब व्यू भी बहुत अच्छा, मज़ा आ गया यार। तो भाई जैसे ही वहाँ से निकले, इतना मस्त रोड है आगे को और सामने ही मुझे दिख रहा है कि हम टापरी पहुँचने वाले हैं। और यार देखिए नीचे रिवर और साथ में रोड, एकदम मक्खन रोड है और मज़ा आ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि हम लोग जहाँ कैंप कर रहे थे धूप लग रही थी, बहुत तेज़ धूप लग रही थी। और अब जो है शांति मिल गई, वो आ गया सामने टाउन भाई। तो दोस्तों यहाँ से एक ट्रैक शुरू होता है जो कि शायद कृष्णा या विष्णु, पता नहीं कौन से, मतलब वैसे विष्णु अवतार ही है कृष्ण, लेकिन वहाँ पर जो है एक मंदिर है जो कि सबसे ऊँची जगह पर मंदिर है विष्णु जी का, विष्णु नहीं शायद श्री कृष्ण का है, पता नहीं यार अब याद नहीं रहा मुझे। लेकिन भाई ट्रैक होता है बिल्कुल टॉप में है और बहुत ज़्यादा मान्यता है किन्नौर के लोगों की, तो वहाँ पर एक मेला भी मेला टाइप लगता है, मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी। लेकिन हम अभी वहाँ तो नहीं जा सकते क्योंकि अभी कुकू जो है ट्रैक वगैरह कर नहीं सकती है कोई भी, तो हम अपना सिर्फ रोड ट्रिप ही करेंगे। नहीं तो ट्रैक करने में तो हम माहिर थे, यूं करके जाते थे, यूं करके आते थे, फिर बात नहीं वो टाइम फिर से आएगा ट्रैक करने वाला। तो यहाँ से हमें अगर कुछ सामान लेने हैं तो वो ले लेंगे, उसके बाद फिर आगे आ जाएगा अपना राइट साइड को टर्न चितकुल के लिए। यस मैं पेट्रोल भरा दूंगा। तो भाई टापरी में है पेट्रोल पंप, यहाँ पे भरा रहे हैं डीजल नहीं सॉरी पेट्रोल भरा रहे हैं। और रेट है यहाँ पर कितना, 98। पेट्रोल पंप क्यों बोलते, डीजल पंप क्यों नहीं बोलते भाई, तो है ना आदत ही बन गई है पेट्रोल पंप। चलो भाई तो डीजल आ गया 24.56 मतलब 24.5 लीटर, चावल कितने का, 2400 का, 2400 रुपये का। फिर से एक ब्रेक ले लिया है, वहाँ सामने भाई खड़े हुए हैं, उनकी गाड़ी में कुछ छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है इसलिए खड़े हो गए वो। और हमने भी यहाँ पर लगा दी गाड़ी, देखिए क्या पहाड़ है यार, क्या मस्त जगह है। ये देखो भाई आ गया शानदार वाला ब्रिज, और लिखा है एक गाड़ी एक टाइम पे जानी है, लेकिन ये तीन तीन घुस गए, इतना दिमाग नहीं है इन लोगों को, जब लिखा है तो बेवकूफ थोड़ी ना लिखने वाला। और ये पीछे से आवाज आती है ना, ये जो गंदीबाज वाले भैया नहीं है उनकी मम्मी को बहुत पसंद है, कुछ सुनाई नहीं दिया होगा जिस हिसाब से आवाज आई थी। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं करछम, जहाँ पे जो है करछम डैम है चितकुल यहाँ से 42। तो यहाँ से हमने लेना है राइट टर्न चितकुल के लिए। वाह जी वाह, देखो क्या मस्त झंडे उड़ रहे हैं, वाह बहुत मस्त लगता है यार ये रास्ता। चलो भाई एंटर हो गए हैं जी चितकुल के लिए, और अब होगी असली ठंड, आज होगी हमारी अग्नि परीक्षा। जितनी काजा में ठंड है -15 तक जा रहा है रात को काजा में, और यहाँ पर जाएगा -12 तक, तो लगभग बराबर ही समझ लो, 2-3 डिग्री का फ़र्क है। तो ये हो गए हम लोग एंटर चितकुल के रोड में, मतलब एंटर तो हो ही चुके हैं, लेकिन देखिए अब जो असली एडवेंचरस जो रोड है ना वो हुआ है शुरू। अब भाई यहाँ पर तो जरा सी भी चूक की संभावना नहीं होनी चाहिए,
अदरवाइज फिर सीधा जाओगे खाई में। नजर हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ जी आ चुके हैं सामने, देखो सामने कैसे कट आ रहे हैं पहाड़ के। वाओ यार, चितकुल जाने का अलग ही मजा है। स्पीति में, स्पीति में नहीं एक्चुअली किन्नौर में आई है। सामने रहा एक बहुत सुंदर सा विलेज, दूर से देखने से तो ऐसा लगता है जैसे वो पहाड़ में कैसे बसते होंगे, ये डर नहीं लगता होगा, लेकिन नजदीक जाए तो उतना नहीं लगता है खतरनाक। तो रोड देखिए आप एक बार, देखो पत्थर गिरा इतना बड़ा ऊपर से है ना। हाँ, के साइड में गिरा था। तो इस रोड में सबसे ज्यादा डर मुझे बारिश में लगता है, और अगर बर्फ पड़ी हो तो उसमें, क्योंकि बर्फ जब पिघलती है तो वो धीरे धीरे पानी जमीन में रिसता है और फिर वो जो है ऊपर से गिरते हैं पत्थर गाड़ी के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा डर लगता है। बाकी आजकल तो ऐसा है कि चलो सही है, वैसे ऊपर पहाड़ों में बर्फ है, रिस्क तो है अभी भी, लेकिन चलो यार थोड़ा बहुत रिस्क तो लेंगे भाई। जब ऐसी जगह देखनी है तो दुनिया आती है देखने के लिए, हम भी जा ही रहे हैं। और ये देखो फिर आ गया वो छत वाला, ये तो आता ही रहेगा थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं। तो गाइज अभी एक बहुत बड़ा जो मतलब मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन था वो दूर हुआ। जो करछम डैम है वो जगह करछम ही है, और जो आगे गांव है वो करछम नहीं, वो रक्षम गांव है। तो यार ये काफ़ी कन्फ्यूज़न था, मुझे लगा कि यार वो डैम है करछम डैम तो आगे भी करछम ही होगा, गांव का नाम होगा, लेकिन वहां पर है रक्षम। और आपको कुछ ठुक ठुक सुनाई दे रही होगी, वो पीछे टेबल रखा है उसके मैं लॉक चढ़ाना भूल गया हूँ और वो आवाज़ कर रहा है, माफ़ करिएगा। अभी रुकने का मन है नहीं, जहाँ भी रुकूँगा उसको लॉक करके रख दूँगा। बाकी ये देखिए आप रोड के नज़ारे लीजिए आप, क्या सही है। अब तो हमें आदत भी हो गई इस रोड पे चलते हुए, तीसरी बार जा रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा शायद रोड खुला खुला भी मुझे फील, वैसे खुला हुआ तो नहीं है, थोड़ी बहुत सफाई करी है शायद। यार देखो यार कितना मस्त गांव है सामने, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। अरे भाई यार आंखों से देखने में तो बहुत सही लग रहा है यार ये। वाह यार कैसे बसा हुआ है ना। खेत जो हरे भरे हुए ग्रीनरी और लग रहे हैं ना। हाँ, ग्रीनरी और इनके छतों के कलर और पिंक पिंक फूल लगे हुए हैं पेड़ों में, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। होय 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 यार समझ नहीं आ रहा, यहाँ वीडियो बनाए वहाँ वीडियो बनाए क्या ब्यूटी है ना। सामने आ चुका है एक छोटा सा प्यारा सा शेरावाली माता का मंदिर। जय माता रानी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो ये देखिए, तो गाइस ये यहाँ पे इसका सहारा लेके, ये देखो ओ भाई चक्कर आ सकता है, सच में सही बोल रहे कपिल भाई, चक्कर आने के पूरे चांस है। और ये देखो पीछे का व्यू, और ऊपर देखो पहाड़ों में बर्फ, वाह यार क्या मस्त बर्फ है ऊपर, और इसमें भी बर्फ है थोड़ी थोड़ी, और वहाँ पे भी बहुत सारी बर्फ है। और यार क्या मस्त लग रही है ना गाड़ियाँ जब सामने से जा रही है, वाह ब्लैक वाइट एंड ऑरेंज, यस अलग अलग कलर। ये जो यहाँ के पहाड़ है ना हाइट वाले, इनमें ऐसी दिक्कत आती है कि सामने तो देख लो आप बर्फ है, और यहाँ हमें एसी चलाना पड़ रहा है क्योंकि शीशा बंद करके चले हुए ना मिरर पर, ये बंद करके क्योंकि धूल उड़ रही है, तो गाड़ी इतनी गर्म है इतनी तेज़ धूप है कि भाई एसी चलाना पड़ रहा है। इसी वजह से जो है बीमार हो जाते हैं, एसी चलेगा फिर बाहर निकलेंगे और सामने बर्फ है, और ये देखो पत्थर कैसे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर, तो ये कभी भी आपकी गाड़ी में लग सकते हैं, इसलिए ध्यान से, पर ध्यान से भी क्या चलेंगे, चलती गाड़ी में आ गया तो क्या ही कर सकता है बंदा, इसलिए चलते रहें बस अपने शीशे वगैरह बंद रखें ताकि प्रोटेक्शन हो जाए, रुक जाता है पत्थर छोटा मोटा। देखिए ये रहा बोर्ड, वेलकम टू तुपका वैली, ये यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है भाई, अगर आप लोगों के पास पेट्रोल नहीं है तो डीजल नहीं है तो। 2019 में मैं यहाँ आया था तो यहीं पर जो है गाड़ियाँ रुक जा रही थी, ट्रैवलर वगैरह यहीं फंस रही थी, और टाइम था मार्च का ही, 17-18 मार्च को आया था मैं, तो आज तो शायद कितनी 13 मार्च है, हाँ 13 है, भाई इस बार इतनी कम बर्फ़ पड़ी है। और यहाँ से मैंने बाइक मुश्किल से निकाली थी, और सांगला में भी काफ़ी बर्फ़ थी, और चितकुल में तक कई पॉइंट ऐसे थे कि पकड़ पकड़ के बाइक ले गए थे हम। वाओ यार क्या वैली है, क्या नज़ारे हैं। तो देखिए सामने वो रहा बस स्टैंड सांगला का, सांगला एंटर हो चुके हैं भाई,
ये पहुंच गए यार, यहाँ पे हवा बहुत ठंडी लग रही है। ये रहा गेट सांगला द्वार। तो दोस्तों यहाँ पर भी अच्छी खासी मार्केट है, अगर कोई भी सामान आपको लेने हैं तो यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन आज बाजार बंद क्यों है? आज तो सोमवार नहीं है तो भाई मैक्सिमम दुकानें बंद दिख रही है, और आज सोमवार है नहीं यार, संडे है आज। यस बाहर तो बहुत ठंड है यार, वहाँ तो ऐसा लग रहा है स्नो स्टॉर्म चल रहा है। तो अभी सांगला का जो बाजार एरिया है मेन एरिया, वो ख़त्म करके बिल्कुल आगे आ गए हैं, और हमारी दो गाड़ियाँ रह गई पीछे। बाकी यार ये देखिए एक बार यहाँ का नज़ारा देखिए, वो ऊपर भी घर बने हुए हैं टॉप में भी, और वहाँ पर फ्रोजन वाटरफॉल दिख रहा है, ये देखो वाह क्या शानदार है। लगता है चितकुल में तो भयंकर ठंड होने वाली है, क्योंकि यहीं पे इतनी ज़्यादा हवा है, इतनी ज़्यादा ठंड है, और कहीं ऐसा मिट्टी वाला ग्राउंड मिल गया तो बस धूल धूल हो जाएगा सब कुछ। तो जी ये जो नाला आता है, ये आता है किन्नर कैलाश जो है पर्वत वहाँ से आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में। तो ये पानी जो है बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है। और यहाँ पर भी एक मंदिर है, मंदिर है तो वही शिव जी का ही है, किन्नर कैलाश जो कि टॉप में है। यहाँ से पहाड़ियाँ दिख भी रही थी, लेकिन जो एक्चुअल जो पीक है किन्नर कैलाश की, हर हर महादेव, वो दिखती है कालपा से। बिल्कुल मतलब उस पहाड़ी के जो है दर्शन हो जाते हैं कालपा से। अगर जाएंगे कालपा तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। वाओ सामने देखिए कितना प्यारा व्यू है, सूखे पत्थर वाले पहाड़ भी है, हरियाली भी है, और साथ में बर्फ के पहाड़ भी है, सब कुछ मिक्स है यहाँ पे, किसी भी चीज की कमी नहीं है। साथ में बर्फ, हाँ वही बोला मैंने, बर्फ वाले पहाड़। नीचे यार इतना प्लेन है ना, नीचे का व्यू दिखाइए जरा, बर्फ खत्म हो गई है, व्यू इतना अच्छा है नहीं। हाँ। नीचे भी गांव बसे हुए हैं, आगे शायद चितकुल साइड में नीचे भी बर्फ होगा तो बहुत मजा आएगा देखने का। एक तो यार यहाँ नीचे कंकर पड़े थे, अभी कहीं गाड़ी पंचर ना हो जाए। अरे भाई क्या है ये, चट्टान है ना, खतरनाक है यार। हर बार अलग सा क्यों लगता है, पिछली बार मुझे जैसे मैंने ऐसा देखा ही नहीं है। ये देख, ये मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पहली बार देखा, कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है। तो बर्फ की शुरुआत हो चुकी है ये देखिए, और इस घर के अंदर लगा हुआ है तंदूर, मजा आ रहा होगा अंदर बैठ के, ठंड वाली फीलिंग आ गई है अभी। हाँ। घर में जब आग सेकते हैं, हमें ढाबा नहीं मिल रहा है, भूख लग चुकी है। ढाबा हमें लगता है सीधा चितकुल में ही मिलेगा, नहीं नहीं बीच में बहुत है अभी। हाँ। अब जहाँ भी मिलेगा वहाँ रुक जाएंगे बस। वाह यार नदी भी फ्रोजन है, नहीं नहीं नदी तो चली हुई है, चली हुई बर्फ साइड में है। वाह यार रोड में अभी कहीं भी बर्फ नहीं मिली, साइड में ही है, मतलब रोड तो पूरा खाली हो चुका है बर्फ से। रक्षम में हो गई जी एंट्री, रुकते हैं खाना खाने, और अभी आपको दिखाते हैं कुछ सरप्राइज क्या हो रहा है यहाँ पे। उन पहाड़ों पे हो रही है स्नोफॉल खतरनाक, ये देखिए ऊपर इस तरफ तो कमरा, राइट साइड दिखाओ वो देखो, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं ऐसा नहीं हो कि आज हमारी जो कैंपिंग है स्नोफॉल में ही हो, है ना। अरे नीचे तो शायद, अरे नीचे देख जगह कैंप करने के लिए, क्या मस्त मस्त एरियाज है। चलो पहले तो खाना ढूंढते हैं फिर देखते हैं। हाँ। तो गाइस अभी रुक गए हम करछम में, और यहाँ पर जो है खाना खा लेते हैं, यार भूख लगी है। खाने के लिए कुछ खास है नहीं, दाल है पीली और चावल है, और सब कुछ ख़त्म हो गया या मतलब ऑर्डर पे ही बनाते हैं, अगर हम ऑर्डर देंगे तो बनाएंगे, लेकिन हमें चाहिए जल्दी वाला खाना। और सबके टोपे जैकेट सब निकल रहा है, और यहाँ पर खाने में है चाउमीन और मोमो, बस तीन ही चीज़ें हैं। बाकी ये देखिए आप ऊपर इन पहाड़ों में हो रही है स्नोफॉल, और यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी फ्लेक्स गिर रही है, और उधर सामने देखो मस्त स्नोफॉल हो रही है। शिवाय गर्मी लग रही है ना शिवाय? हाँ गर्मी नहीं, इसके हाथ जब अंदर चले जाना समझ लो माइनस में टेम्परेचर होने वाला है, निकल नहीं बॉस, हाथ कुछ भी हो जाए हाथ नहीं निकालेगा ये। देख कैसे रहा है, कहाँ देख रहे भाई, क्या है उधर? दीदी, दीदी नहीं आई, आंटी है। और ये देखिए भाई घास कैसे रखी है, वाह यार। वहाँ पर ना बहुत मस्त लोकेशन थी पीछे कैंप के लिए, तो अभी तो ऐसा करते हैं यार यहाँ पर जो भी है खाना जैसा भी है खाते हैं, और खाना खा के सीधा आगे निकलेंगे। चितकुल और स्नोफॉल थोड़ी थोड़ी हो रही है,
तो मुझे लगता है आगे स्नोफॉल में हमें आज काफी ज्यादा एडवेंचर हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा। है चेरी, मजा आएगा। लग बड़ी, देखो आगे स्नोफॉल। हाँ, देखो। वाओ। तो गाइस इस वीडियो को कर रहे हैं हम यहीं पर एंड, और अगर स्नोफॉल देखने तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। और अभी बस खाना वगैरह खाते हैं थोड़ा रिलैक्स होके, क्योंकि वीडियो बना बना के ना भाई थक जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, खाना खाते हैं आराम से, फिर अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां से, और चितकुल में करेंगे कार कैंपिंग, और आपको चितकुल भी घुमाएंगे जितना हो सकता है अगर मौका मिलता है तो, अगर ये बर्फ देती है टाइम हमें तो। अदरवाइज देखो, अरे भाई छोटे छोटे फ्लेक्स आ रहे हैं। चलो अगले में ही दिखाएंगे भाई, वेट करिए आप नेक्स्ट वीडियो का। टाटा बाय बाय नहीं की, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।